हेलो गुड मॉर्निंग मनाली। हाय, कल को हम गए थे शिशु और उससे पहले दिन गए थे हम कोकसर। आज हमारा प्रोग्राम है कि हम मनाली के साइट सीइंग करें, लोकल जितने भी यहाँ के आसपास के सीन हैं, जैसे गैडिनबा टेम्पल हुआ, आपका मनु मंदिर हुआ, वशिष्ठ टेम्पल हुआ और आपका नेहरू कुंड कल हम दिखा चुके थे, ये आज जाके हम एक्सप्लोर करें। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। दो दिन हमने देख लिया, अब पेट्रोल की स्ट्राइक की वजह से हम शिशु नहीं जा पाए थे, कोशिश करेंगे हम शिशु भी जाएं, एक दिन के ट्राई करेंगे हम। अब दोनों दोनों हम तैयार हैं। वो देखिए सामने होटल के बाहर हम खड़े हुए हैं और सामने देखिए पहाड़ों पे बर्फ़ कितनी अच्छी लग रही है, आज धूप अच्छी खिली हुई है। हम एक तारीख से जब से देख रहे हैं लगातार धूप अच्छी है, यहाँ पे ठंड है लेकिन धूप की वजह से सब कुछ मैनेज हो रहा है। और अब टूरिस्ट भी मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम है, दो दिन से जाम सा मिल रहा था लेकिन शायद अब हमें जाम ना मिले। ये देखिए रोड पूरे खाली हैं अभी मनाली के, ज़्यादा भीड़ नहीं है पहले जैसे। ये हमारा होटल था, यहाँ पर टिके थे हम। ये है होटल लिंक वे मनाली, हम तीन दिन से इसी होटल में ठहरे हुए थे और शायद आज भी यहीं स्टे करेंगे, फिर कल चेकआउट करते हैं। थामा धीरे धीरे, नहीं खा जा रहे उनसे सूजी के, नहीं भाई आटे के सारे आटे के भैया सूजी के। इधर से आके बनाओ ना, सब बनाओ कि मुंडी सही है पार्टी में, यहां डॉक्टर कर रहा है चलो गोड़ यहां से भी। ए ये राबिया बापू है, ए अपनी सब पर्सनल से। कल को रास्ते में और भी थे लेकिन हम तुम्हारे खा चुके थे इसलिए हमने कहा चलो भाई के पास चलते हैं दोबारा से। तो सेगा नहीं आज दोनों रंग से, नहीं बुक टाइम आप कमी नहीं पाओगे सर। हैं चलिए जब कच्चा कच्चा लग रहा है दरिया। नहीं नहीं आगे भी रोदो रंगी जी महादेव। ठीक है नहीं बना रहा, ये अभी हम जा रहे हैं शिशु, यहाँ से मनाली से लगभग ये 40 किलोमीटर दूर है। वैसे प्रोग्राम था हमारा आज का कि हम लोकल साइट सीन करें लेकिन नीचे पता चला कि पीछे बर्फ पड़ चुकी है और स्नोफॉल पड़ी है रात के टाइम अच्छी खासी। और आज एक बहुत बड़ा अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि पेट्रोल मिलना शुरू हुआ, तो हमने सबसे पहले अपना काम यही किया, गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल कराया। और अब कोशिश कर रहे हैं कि आज हम शिशु चले जाएं, दिन के ही बज रहे हैं एक, अब कोशिश कर रहे हैं कि हम आज शिशु चले जाएं, फिर आपको भी घुमाते हैं, ठीक है चलें। थोड़ी गाड़ी पीछे करोगे
अभी हम हैं अटल टनल के रास्ते पे, बिल्कुल अटल टनल मतलब सिर्फ 500 मीटर दूर रह गई है। और आज हमारा यहाँ पे थर्ड डे है और आज मैं देख रहा हूँ कि टूरिस्ट बहुत ही कम है। आज है टूरिस्ट लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, भीड़ नहीं है। नहीं तो पिछले दो दिन से तो यहाँ ये हालत थी कि एक एक डेढ़ डेढ़ दो किलोमीटर तक बल्कि गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। आराम से हम स्मूथली गाड़ी लेके आ रहे हैं। ये सामने आ गया अटल टनल आपके सामने। गाड़ी चेक करनी सिर्फ आ रहा मैं, गाड़ी चेक करना। अच्छा तो बर्फ पड़ी है भाई, देखो सामने बर्फ पड़ी है, उनकी रात को बर्फ पड़ी है, इसका मतलब है ना ताजा बर्फ पड़ी है। ओम नमः शिवाय। प्रोजेक्ट दीपक वेलकम यू टू चंद्रा ब्रिज। ले यहाँ से है 396 किलोमीटर, कारगिल है 450 किलोमीटर, श्रीनगर है 560 किलोमीटर और रोहतांगला है यहाँ से 27 किलोमीटर, काजा है 144 किलोमीटर और सुमडो है 218 किलोमीटर। आज हमें मनाली में आए हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं, आज हमारा तीसरा दिन है और आज भी हम अटल टनल पार करके तीसरी बार इस तरफ आ रहे हैं। आज कोशिश करेंगे शिशु घूम पाएँ और आप लोगों को शिशु दिखाएं। अब कितना आगे जा पाते हैं भी देखते हैं। अब कितना तो क्लियर हो गया कि बर्फ़ पड़ी है रात को, बिल्कुल स्नो बिल्कुल साफ दिख रही होगी आप लोगों को। लॉन्ग 38 किलोमीटर। चिल्ड है, चिल्ड यहाँ पे क्या मौसम बदल गया एकदम से, ठंडी हवा, गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। तो अगर आप शिशु के लिए जाते हैं ना, जैसे अटल टनल पार करेंगे यहाँ पे एक जगह है साडा डेवलपमेंट बैरियर फी,
यहाँ गाड़ी के 200 रुपए लिए हैं, 200 रुपए लिए ना बेटा, यहाँ 200 रुपए की पर्ची कटती है एक, और सभी लोग दे रहे हैं इसको, तब न भी का चलो मैंडेटरी होगी, देना पड़ेगा ये, ठीक है। ठीक है, दे दी पर्ची। भाई वाह क्या प्यारा लग रहा है यहाँ पे, देखिए रास्ते देखिए यहाँ के, क्या बेहतरीन रास्ते लग रहे हैं यहाँ पे। पापा चश्मा लगाया। भाई वाह, ओह भाई क्या लैंडस्केप है मंजू, हैं मजा आ गया देख के। कल आ रहा था मजा, कल ज्यादा मजा आया। ये देखिए भाई पैसा वसूल जगह लग रही है यहाँ पे, तो आके हम पहली बार आ रहे हैं इस तरफ, पहले कभी भी नहीं आए, और वाकई में मन खुश हो गया यहाँ पे आके। रास्ते बहुत बढ़िया हैं एक तो, और जगह बहुत सुंदर है। पे लिखा होता नो पार्किंग टू अवे जोन, गाड़ी रोकना, स्टैंड करना और रुकना किसी प्रकार से बैन है। बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे, है ना। सावधान, डूबने फिसलने युक्त क्षेत्र का जोखिम, बी आर ऑन ड्यूटी फॉर ए बेटर फ्यूचर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत ही सुंदर भाई, अब तक हम यूट्यूब पे देखते थे या वीडियोस में देखते थे, पहली बार आ रहे हैं, मन खुश हो गया देख के, खुद अनुभव करके वाकई में अलग ही फील होता है। मतलब आंखों से आप देखोगे ना जो चीज़, उसका अलग ही मजा है, वो कैमरे में देखना वो अलग चीज़ है, उसका एक लेवल है, 360 व्यू नहीं दिखा पाता जो आपकी आंखें देख पाएंगी, कितना विशाल है आप देखिए, कितना विशाल है देखिए, सामने पहाड़ देखिए कितने विशाल हैं, और हम एक तरीके से उसके टैलिटी पे चल रहे हैं, देखिए क्या प्यारा सीन है। ये रुके गाड़ी, ये बहुत सारी गाड़ी रुकी हुई है।
वही हुआ, क्या सीन है। अशोक वाला फोटो खिंचाएं। आ रहा हूँ, ये अभी हम आए हैं, लाओ दिखाओ। और मेरी फोटो खींचो और सेल्फी पे चश्मा चश्मा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपकी वीडियो बना रहा हूँ बेटा, बना रहा हूँ। इधर देखो, इधर देखो। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे शिशु में, उसके रास्ते पे हैं अभी हम। बस शिशु देखिए सामने, वो जो कॉटेजेस दिख रहे हैं ना, वो कहते हैं शिशु है। और यहाँ देखिए उससे पहले कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, और अच्छी खासी बढ़िया धूप लग रही है, तो ठंड में थोड़ी सी आराम पड़ रहा है हमें। और मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया फोटो यहाँ तो, बड़ी अच्छी रील बन रही है हमारी और फोटो ऐसे ओके। इधर देखो भाई, वाह, वरदान की चीज फोटो आ रही है। इसको हटाओ, वरदान कबीर ये वरदान को बनाएंगे। इधर खड़े वरदान, देखो इधर देखो, गोप्रो से बनाए रहे हैं आपकी वीडियो, गोप्रो से आपकी वीडियो, गोप्रो से वीडियो बनाए रहे हैं आपकी। होए होए, मजे आ गए, मजा आ गया ना। चलो पानी में चले, पानी चले इधर, गोप्रो से बना दी, लो खींच दी फोटो। ये अभी हम हैं शिशु के रास्ते पे, देखिए एक अच्छा सा स्पॉट मिला हमें और हम लोग रुक गए यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवाने के लिए। और वाकई में अच्छा स्पॉट है। सामने देखिए, वो देखिए गाड़ी कहाँ जा रही है, सामने पहाड़ के ऊपर देखिए कहाँ गाड़ी जा रही है, वो देखिए ये किसी गाँव में जाने का रास्ता होगा ज़रूर। और किस तरीके से गाड़ियाँ देखो, यहाँ सरपीले तरीके से रास्ता जा रखा है, और किस तरीके से गाड़ी जा रही है वो देखिए सामने, वो छोटी किसी छोटी गाड़ी लग रही है। वो देखिए बाइक पे दो लड़के आ रहे हैं, देखिए पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, छोटे रास्ते भी जा रखे हैं। जिपलाइन अभी करेंगे जिपलाइन। और ये देखिए सामने बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, धूप की वजह से देखिए कितने सुनहरे चमक मार रहे हैं, बिल्कुल प्योर वाइट बर्फ़ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। वाह, कभी कभार आप लोगों को देखते हैं ना, फोटोज़ होती हैं आर्टिस्टिक फ़ोटो बनी होती हैं, खींची हुई होती हैं फोटोशॉप करके, बड़ी बेहतरीन। और यहाँ पे आके देखो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे किसी भी फोटोशॉप की। और आसमान देखो कितना साफ है, बिल्कुल डार्क ब्लू, मतलब इतना ब्लू तो हमने कहीं नहीं देखा भाई, मतलब इतना ब्लू आप खुद देखिए, बिल्कुल ब्लू है। और हवा बिल्कुल शुद्ध है यहाँ पे, बाकी हमें थोड़ा चलने में हमारी सांस फूल रही है, लेकिन फिर भी वाकई में थोड़ा हाइट पे है ना, थोड़ा से हिल सिकनेस महसूस तो हो रही है, थोड़ा चलते ही हाँफने लगते हैं। लेकिन आप देखिए क्या प्यारा लग रहा है यहाँ पे, मन खुश हो गया देख के। बात करते हुए ना हालत ऐसी हो जाए कि जैसे सीजन में सांस खींचनी पड़ रही हो, लेकिन थोड़ी देर में वो कहते हैं ना बॉडी अपने आप एक्यूमुलेट कर जाती है, देखिए कितनी देर में करती है, क्योंकि अभी मनाली थे दो तीन दिन से और एकदम से हम ऊपर चढ़े, तो शायद उसकी वजह से हो रहा हो। लेकिन ब्यूटी देख के तो मन खुश हो गया, ब्यूटी देख के मन खुश हो गया, वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है। एक बार आप आइए ज़रूर, देखेंगे कि मन खुश हो जाएगा आप लोगों का भी। हम कोशिश करेंगे कि अगर शिशु जाएँ उसके आगे कैलोंग है, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, अगर केलोग जा सके तो वहाँ भी जरूर जाएंगे। ये देखिए आप कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, और पूरी जम चुकी है कस के। वहाँ पर देखिए कुछ लड़के उस बर्फ़ में आनंद मना रहे हैं, लेकिन भाई हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि कल को हम इतनी बुरी तरह से गिरे कोकसर में, बर्फ़ के ऊपर चल रहे थे, और जूते हमारे ना स्लिपरी हैं, जूते देख रहे हैं आप इस टाइप के जूते हमारे, और जूते इतनी बुरी तरह से स्लिप कर रहे थे, और ना ना करते करते मैं इतनी बुरी तरह से गिरा एकदम से पीछे, शुक्र मनाइए कुछ पत्थर नहीं था, नहीं तो सरल फूट सकता था बड़े आराम से, बहुत ही बुरी तरीके से गिरा।
इसलिए भाई मैं बर्फ़ में रिस्क नहीं लूँगा। बाकी यहाँ पे देख के आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बर्फ़ के पास, बहुत ठंडक है, बहुत ठंडक है, ऐसा लग रहा है कोल्ड फ्रीजर में खड़े हो हम। ये तो धूप की वजह से हम खड़े हो पा रहे हैं, और थोड़ा बहुत चलते ही ना सांस फूल रही है, पता नहीं बॉडी अभी तक एक्यूमुलेट नहीं कर पाई, क्या दिक्कत है। बाकी देख के बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही सुंदर लग रहा, और देखिए सूर्य देवता क्या चमक मार रहे हैं भाई, वाह बहुत ही बढ़िया। यहाँ इनके फोटो सेशन चल रहा है, खुश हो रहे हैं फोटो खिंचा खिंचा के। हाँ जी बेटा, फोटोज आपकी खींचता हूँ, रुक जाइए बस थोड़ी सी वीडियो बना दो, बता की फोटो खींचा गोप्रो से। ओके ओके ओके, गोप्रो से फोटो खींचता हूँ। ओके ओके।